अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई क्लासेस विद नासिर यूसफी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी वो टेंस जो हमें माजी के बारे में बताता है, वो टेंस जो हमें पास्ट एक्शंस के बारे में बताता है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ए पास्ट टेंस जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो जहां तक इसकी डेफिनेशन है, इट शोज अस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमें बताता है उस एक्शन के बारे में बताता है जो माजी में कंप्लीट हो चुकी है। सो पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि ये टेंस हमें बताता है कि दूसरी एक्शन होने से पहले पहली एक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी थी, यानी इट शोज दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल, शी हैड डांस्ड बिफोर यू अराइव्ड, आपके आने से पहले वो डांस कर चुकी थी, यानी पहले वो डांस कर चुकी थी फर्स्ट एक्शन, फिर आप आ गए सेकेंड एक्शन। तो फर्स्ट एक्शन तो पहले कंप्लीट हो चुकी थी, फिर सेकेंड एक्शन कंप्लीट हुई। सो इन केसेस में जो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को ही यूज करते हैं। वन मोर एग्जांपल, ही हैड एंटर्ड द रूम बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे पहुंचने से पहले वो कमरे में दाखिल हो चुका था, यानी फर्स्ट एक्शन यहां पे है कि वो पहले कमरे में दाखिल हो चुके थे। सो इट इज अ फर्स्ट एक्शन, और उसके बाद ही मैं वहां पे पहुंच गया, दिस इज सेकेंड एक्शन। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग इसी सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि सेकेंड एक्शन कंप्लीट होने से पहले फर्स्ट एक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी थी। वन मोर एग्जांपल, दे हैड प्लेड व्हेन इट रेन्ड, वो खेल चुके थे जब बारिश हुई, यानी पहले उन्होंने ये एक्शन फर्स्ट एक्शन कंप्लीट किया था, तब जाके ही दूसरी एक्शन हुई यानी बारिश हुई। सो इन दिस वे वी सी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमें कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताता है, द एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज इट टू शो दैट वन एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर द अनदर एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन का ताल्लुक है, यानी स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, सो वी यू जनरली हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी ऑक्सिलरी वर्ब की पास्ट फॉर्म हैज की पास्ट फॉर्म जो हैड उसको यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ओपन्ड द गेट बिफोर दे केम, तो यहाँ पे भी आप देखते हैं इट इज हैड हियर एंड द पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द ओपन एज वेल एज द पास्ट फॉर्म ऑफ द हैज, इनको हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। शी हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड देयर, यहाँ पे भी हैड है उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल अराइव्ड, यानी मेरे वहां पहुंचने से पहले वो आ चुकी थी। इसी तरीके से मैंने ऊपर लिखा, आई हैड ओपन्ड द गेट बिफोर दे केम, उनके आने से पहले मैंने दरवाजा खोल दिया था। तो नेगेटिव वर्जन अगर इसका नेगेटिव बनाना है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें हम लोग जो है हैड नॉट यूज करते हैं, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। सो हैड नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, फॉर एग्जांपल, सलमा हैड नॉट डांस्ड व्हेन आई केम, तो यहाँ पे हैड नॉट और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द डांस डांस, सलमा हैड नॉट डांस्ड व्हेन आई केम, सलमा ने डांस नहीं किया था जब मैं पहुंचा। सिमिलरली क्वेश्चन वर्जन, अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन में यूज करना चाहते हैं, तो हम जो फॉर्मेट है दैट इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी पहले हमें हैड को रखना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट डूअर ऑफ द वर्ब एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, हैड सलमा ओपन्ड द गेट बिफोर आई केम, क्या सलमा मेरे आने से पहले दरवाजा खोल चुकी थी। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्वेश्चन फॉर्मेट भी बना सकते हैं, या अगर क्वेश्चन वर्ड यूज करना हो तो उस टाइम जो है
the format goes like this: question word, uske baad had, then subject or fir past participle. Example: why had Salma closed the door before time? So yahan pe hum dekhte hain, this is the question word why, uske baad hum had use karte hain, then the subject doer of the verb which is Salma here and past participle. To ye format rehta hai agar hame questions banane ho past perfect tense mein. Hope ki past perfect tense ko samajhne mein aapko ye video madad dega. It will be helpful to you. See you in next video. Till then, take good care of yourselves. Allah Hafiz.